मित्र दोस्त, मैं मुन्ना बिहारी और आज मैं एक बात बताने जा रहा हूँ आप सबको। जैसे कि रोलैंड एक्सप्रेस ट्रेन, अगर आप लोग सेकेंड हैंड लेना चाहते हैं तो आप लोग सतर्क हो जाइए, ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं जो बात कर रहा हूँ उसको अच्छा से सुनिएगा। जो रोलैंड एक्सप्रेस ट्रेन जो सेकेंड हैंड लेने वाले हैं, है ना, ध्यान से बात सुनिएगा, मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप सब अगर सेकेंड हैंड लीजिएगा तो आदमी लोग इसलिए बेचते हैं, अगर ये खराब हो जाता है ना तभी लोग बेचते हैं कि बेचकर हटा दें और कोई मैं फिर से दूसरा ले लूं, ठीक है। खराब कैसे हो जाती है, ऐसे में ये जो खराब होते हैं तभी लोग बेचते हैं, नहीं तो ऐसे में ये ऑर्गन बेचते ही नहीं है, समझ रहे हैं मेरे बात को। तो देखिए, कहने का मतलब जो इक्वलाइजर है यहाँ पे फॉल्ट करने लगेगा, कुछ कुछ इसमें फॉल्ट करने लगता है ना, जो खराब होता है वही बेचता है लोग भैया, है ना। तो सावधान हो जाइए, अगर अच्छा कंडीशनर में है, मतलब अच्छे लोग का है, अगर आपके अगल बगल के हैं तो आप उनसे ले लीजिए, है ना, वो आपका मामला सॉल्व हो जाएगा। अगर दूर से लेते हैं तो आप लोग फंस जाइएगा, ठीक है। देखिए, और मैम रोलैंड एक्सप्रेस ट्रेन अभी अच्छा है, मैं आपको बजाकर सुना रहा हूँ बेंजो हारमोनियम सेनाई, है ना। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, है ना। और अगर हमसे पैच उच लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। सेनाई के वाले अभी आप सुन रहे थे और हारमोनियम सुनाते हैं। आइए संतूर की आवाज में भी, अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और अब काहे के लिए आप पैसा ज्यादा फंसाइएगा, रोलैंड एक्सप्रेस ट्रेन बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है, है ना, सोच समझ के लेना है आपको। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड, टेक केयर, बाय बाय।